अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 एंड मी। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 नेचुरल एंड मैनमेड डिज़ास्टर। आज का टॉपिक है हम लोगों का अर्थक्वेक। ओके, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं अर्थक्वेक क्या होता है, जलजला को बोलते हैं, और ये होता है कैसे। सो अर्थक्वेक आर कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से होता है, जैसे कि आप लोग को पता है, देखा भी होगा, बहुत बार मैंने बताया है। सो अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट दैट फिट लाइक अ जिग्सॉ पजल। ओके, हैव यू सॉ द जिग्सॉ पजल। देखो ये जिग्सॉ पजल है, तो हमारा जो प्लेट है ना, वो भी इसी पजल की तरह फिट है। ओके, देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कॉन्टिनेंट जो है हम लोगों का, वो प्लेट किस तरह से जिग्सॉ पजल की तरह फिट किया हुआ है। ओके, तो ये जब इस प्लेट पे कुछ हलचल होता है, अंदरूनी हलचल होता है, या किसी तरह का प्रेशर्स होता है, तो यहाँ इसका असर जो है हम लोग उसको देख ही सकते हैं कि अर्थक्वेक के तौर पर होता है। सो उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन एंड मैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन रिलेटिवली वीक जोन कैन ऑल्सो कॉज अर्थक्वेक। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी हम लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक आता है। बहुत सारे डैम जो वीक होते हैं, बेस उसका जो वीक होता है या कमज़ोर होता है, तो वो टूट जाता है। लैंड आसपास का जो होता है वो भी पूरा टूट के बर्बाद हो जाता है। ठीक है, सो इसका इम्पैक्ट क्या है? अर्थक्वेक कॉज डैमेज ऑफ वीक कंस्ट्रक्शन सच एज रोड, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। वाटर पाइपलाइंस मे ऑल्सो क्रैक। द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ व्हेन पीपल गेट बरीड अंडर डेब्रीज। समटाइम्स द ग्राउंड स्प्लिट इन टू ओपन ड्यू टू द इम्पैक्ट। ओके, यहाँ पे इम्पैक्ट तो जलजले के आने से क्या होगा, रोड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन लाइन्स, ब्रिजेस और भी जो भी सेटलमेंट्स होते हैं, वो भी सब के सब टूट के बर्बाद हो जाते हैं। पाइपलाइन क्रैक हो जाता है, रिवर रूट चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर लोग दफन हो जाते हैं डेब्रीज के नीचे। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल डिज़ास्टर। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर, यानी इंसान के लापरवाही की वजह से या जानबूझ के क्या नुकसानात होते हैं और क्या डिज़ास्टर होते हैं। सबसे पहले हम लोगों का न्यूक्लियर डिज़ास्टर। ओके, न्यूक्लियर डिज़ास्टर में आप लोग देखो कि वर्ल्ड सॉ इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर विद द न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ओके, हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ओके, हिंदुस्तान की दूसरी आलमी जंग थी, उस वक्त जो है हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्बिंग हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। यू कैन सी इन दिस इमेज के पूरा शहर जो है वो किस तरह से बॉम्ब की वजह से बर्बाद हो गया। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इंसान के लोगों पे भी इसका किस तरह ख़राब इम्पैक्ट पड़ा। यानी जब जनरेशन आगे होता था तो वो भी मतलब के वीक पैदा होते थे या बहुत सारे डिसेबल पैदा होते थे, तो इस तरह से इफ़ेक्ट था उसका। तो इसको इस तरह के रिस्क या इस तरह के डिज़ास्टर को रिड्यूस करने के लिए, इसका इम्पैक्ट रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, डेवलप इमरजेंसी रिलीफ एंड रेस्क्यू प्लान। कम्युनिटी मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रेगुलर मॉक ड्रिल्स। ओके, नेक्स्ट इज आप लोग का आता है केमिकल इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। मतलब कि अगर किसी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री में जिसमें केमिकल वाला कुछ मटेरियल मैन्युफैक्चर हो रहा है, या फिर पावर प्लांट वाला जैसा फैक्ट्री होता है, तो वहाँ पे इस तरह का हादसा जो है होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे 1984 दिसंबर में एक MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो लीकेज हुआ था उस गैस का, दैट इज़ हाइड्रोजन साइनाइड फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री जो भोपाल में था, वहाँ पे लीक हुआ था वो गैस। ये है वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। ओके, तो इस यहाँ पे लोगों का जो नुकसान हुआ था कितना, यहाँ आप देख सकते हो नंबर यहाँ पे कितना है, लोग सफ़र हुए थे, इंजरीज हुए थे, और मरे भी हैं, कुछ डिसेबल भी हुए थे। यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे किस तरह से दिख रहे हो, ये फैक्ट्री किस तरह से जला है इस लीकेज की वजह से। ओके,
इसका अवेयरनेस क्या होगा, किस तरह से हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अवेयरनेस बिल्डिंग्स पहला आता है, इस तरह के इंडस्ट्रियल साइट में आसपास कोई सेटलमेंट एरिया नहीं होना चाहिए। ओके, सेफ इवैक्यूएशन रूट होना चाहिए। रेजिडेंशियल एरियाज मस्ट बी फार अवे। कम्युनिटी मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रेगुलर मॉक ड्रिल्स। कीप द रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम रेडी। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखो इसका एक्सीडेंट रेल रोड एंड एयर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन फॉलो करना है। पोअर मेंटेनेंस, उसको वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं, पोअर मेंटेनेंस की वजह से भी आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। उसको कैसे रिड्यूस करना है, फॉलो सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी जो गाइडलाइन होता है वो हम लोग को फॉलो करना होगा। अवॉइड ओवर स्पीडिंग, ज़्यादा स्पीड से ड्राइव नहीं करना है। फॉलो लेन ड्राइविंग, लेन ड्राइविंग को फॉलो करना है। इन केस यू आर इनसाइड एन एयरक्राफ्ट, स्टे काम एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करना होगा। ओके, सो दीज ऑल आर दी रिस्क रिडक्शन मेजर्स। ओके, सो वी हैव टू फॉलो इट। नेक्स्ट नंबर फोर इज़ फायर एंड इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लाइंसेस। ओके, पोअर वायरिंग की वजह से होता है, ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ज़्यादा हीट दे दिया तो क्या हो गया, वो जल गया। एक्सीडेंट वाइल कुकिंग के टाइम में गैस जो होता है उसमें कुछ लीकेज हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसके लापरवाही की वजह से। ओके, उसके बाद कंबस्टिबल मटेरियल्स के नियर ओपन वायरिंग। ओके, तो इस तरह का मटेरियल जो है वो अगर खुला है जो जल सकता है, अगर वहाँ पे खुला रखा है वायर के नज़दीक या फिर गैस के नज़दीक, तो कुछ भी हादसा हो सकता है उस वक्त, तो इससे अवॉइड करना है। और उस इस तरह से इस तरह के डिज़ास्टर होने से बचने के लिए क्या स्टेप लेना होगा, कॉल द लोकल फायर डिपार्टमेंट, कॉल 101, सभी को पता होगा। इन केस ऑफ स्मोक रोल एंड इवैक्यूएट, फॉलो द एस्केप रूट मैप। एस्केप रूट मैप को फॉलो करना है अगर इस तरह से अगर स्मोक कहीं से आ रहा है, ओके, जलने वलने का या कुछ भी, तो वहाँ से हट जाना होगा। वाइल लिविंग द हाउस क्लोज ऑल इलेक्ट्रिकल गैस एंड अप्लायंसेस। घर से अगर बाहर निकल रहे हैं हम लोग तो क्या करना है, हम लोगों को जितना सारा इलेक्ट्रिकल जो है जैसे कि स्विच वगैरह सबको बंद बंद करके घर से बाहर निकलना है। ओके, नेक्स्ट नंबर फाइव इज़ टेररिज्म। टेररिज्म सबको पता होगा, सच हेनियस क्राइम्स आर कमिटेड टू कंडक्ट मास किलिंग्स। ओके, टेररिज्म से हम लोग क्या देखते हैं कि एक वन शॉट में सीधा ऑन द स्पॉट लोगों को, ये जो टेररिज्म है दिस इज़ अ वेरी आई कैन से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस होता है, जिसे सीधा प्रॉपर्टी और इंसान का जान दोनों का ही नुकसान होता है। सो डो नॉट टच एनी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ओके, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि अगर कहीं पार्क एरिया में रोड पे किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि बैग वैग रखा है या कुछ, तो एक इंसान की फितरत होती है कि चलो ये बैग में क्या है, चलो ले लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी बिना जाने पहचाने या किसी अनजान चीज़ को नहीं छूना है, कुछ भी हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है या बहुत सारा आप लोग टीवी में देखे होंगे। सो रिमेंबर पुलिस हेल्पलाइन, अगर इस तरह का कोई मिले तो सबसे पहले पुलिस को कंप्लेन करना है, फ़ोन करना है 100 में, फिर फायर अगर कहीं आग लग जाता है जिसके कारण या बॉम्बिंग हो जाता है तो 101 पे कॉल करना है। एपिडेमिक्स कि बीमारी का फैलना, जैसे कि आजकल चल ही रहा है, आप लोग सभी वाकिफ हो, तो इसका कॉज क्या है, पुअर सैनिटेशन, ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर्स एंड पॉवर्टी। ओके, ये कॉज होते हैं। और उसका क्या हमको मेजर्स लेना चाहिए इसको कम करने के लिए, डेवलप इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन मेडिसिन का, जिस ताकि इसकी रोकथाम हो सके, जो अभी नहीं मिल रहा है कोरोना के लिए, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और पॉवर्टी गरीबी को दूर करना है, सैनिटेशन का अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि जो बीमारी है, जो फैलने वाली बीमारी है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसको रोकथाम किया जा सके। ओके, सो रिस्क रिडक्शन मेजर्स
हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि इसका अर्थक्वेक का रिस्क रिडक्शन मेजर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या रिडक्शन मेजर्स है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज आर टू बी डेलिनेटेड ऑन मैप्स। प्रोन एरिया सभी नेचुरल डिजास्टर एक्चुअली जहाँ जहाँ पे होता है ना, तो सारा प्रोन एरियाज मैपिंग है ऑलरेडी, जैसे कि साइक्लोन प्रोन एरिया, अर्थक्वेक प्रोन एरिया। तो उस जगह में उसी तरह से रहना है, उसी तरीके से हम लोग को सावधान रहना होगा ताकि हम लोग आने वाले खतरे से उसे थोड़ा हम लोग बच सके। ओके, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग लाइट वेटेड मटेरियल्स लाइक वुड मस्ट बी यूज। जैसे कि जापान वगैरह में वो क्या है अर्थक्वेक प्रोन एरिया, तो वहाँ पे इस तरह का हेवी सिल्टेशन वाला कंस्ट्रक्शन नहीं बनता है, वुड का बनता है, क्योंकि अर्थक्वेक हर रोज़ आता है, हल्का हो या भारी हो आता ही है। ओके, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन मस्ट बी यूज फॉर बिल्डिंग। उसी तरह का बिल्डिंग होना चाहिए ताकि अर्थक्वेक हो तो इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। जियोलॉजिकली वीकर एरियाज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन। बहुत ज़्यादा वीक एरिया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ पे किसी भी जगह कंस्ट्रक्शन का काम ना हो। ऑल बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज मस्ट फॉलो गाइडलाइंस इशू बाई BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंडर काम होना चाहिए, ताकि जितने सारे प्रोन एरियाज हैं ना, वहाँ पे इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम ना हो। फिलहाल अभी साफ सबको पता होगा कि गुजरात में 5.5 मैग्नीट्यूड पे जलजला आया था, राइट? तो उसको आप लोग को देखना है। ओके, यहाँ पे देखो डिज़ास्टर कॉज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अभी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो इसका कॉज है, छोटा सा एक पैराग्राफ में रीड कर लेते हैं। डिज़ास्टर में कॉज ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड हैज़र्ड रिजल्टिंग इन इनॉर्मस इकोनॉमिक लॉस, लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू द एनवायरमेंट। ओके, समटाइम्स अ डिज़ास्टर कॉज इम्पेयरमेंट दैट स्पैन्स थ्रू जेनरेशन एज इज एविडेंट इन द हिरोशिमा नागासाकी एरिया ऑफ जापान। इवन टुडे आज तक वहाँ पे इसका असर है, इम्पेयरमेंट का असर है। ओके, और इस बॉम्बिंग की वजह से है इसका। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज जो हम देंगे तो आप लोग को फुली समझ आएगा। ओके, सो पेज नंबर 52 में आप लोग देखो नंबर 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग डिज़ास्टर एंड हैज़र्ड को आप लोग को हज़ार्ड सॉरी डिज़ास्टर हज़ार्ड को आप लोग को कितना डिफरेंसेस होगे, 2 से 3 आप लोग को डिफरेंसेस लिखना है। नंबर 4 में ई और एफ में आप लोग को 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 रिस्क रिडक्शन मेजर्स फॉर केमिकल डिजास्टर एंड व्हाई डज फायर एक्सीडेंट टेक प्लेस, व्हाट आर इट्स रिस्क रिडक्शन मेजर्स। ओके, बहुत ही आसान से सवाल है, सॉल्व करना है आपको। ओके, और वीडियो अच्छे से देखिएगा आप लोग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।